हेलो गाइज, माय नेम इज ऋतिक एंड यू आर वाचिंग फॉलो द ब्लूज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंज के रिटर्न को लेकर। तो आप रोमन रेंज के फैन हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाले है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सभी को पता है, रोमन रेंज इस वक्त लुकीमिया के चलते WWE से एक्शन से बाहर चल रहे हैं। वैसे में WWE का कोई भी सुपरस्टार अगर हो वो इंजरी के चलते बाहर चल रहा हो तो वो अपने इंजरी की रिकवरी की तस्वीरें पोस्ट करता रहता है, लेकिन हमने क्या देखा, रोमन रेंज कभी भी ऐसी पोस्ट नहीं करते। उन्हें कहीं कहीं भी देखा गया है जो फैंस ने उनकी तस्वीरें निकाली है और वो पोस्ट की गई है। वैसे में अगर हम बात करें रोमन रेंज के इलाज के बारे में, तो रोमन रेंज ने अपना इलाज शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें अन्य किसी कैंसर व्यक्ति के, अगर जब भी वो इलाज शुरू होता है तब उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हमने रोमन रेंज के साथ नहीं देखा। रोमन रेंज की अपलोड की गई पिक्स के मुताबिक उनके दाढ़ी के बाल और माथे पर भी हम बाल देखे जा सकते हैं। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि WWE की एक स्टोरी लाइन है। विंस मैकमैन बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन के लिए जाने जाते हैं। वैसे में वैसी स्टोरी लाइन हो वो सच भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है। अगर ये स्टोरी लाइन हुई तो रोमन रेंज की वापसी बहुत ही जल्द हो जाएगी, जो कि रोमन रेंज के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। रोमन रेंज अगर 2-3 साल बाद आएंगे तो रोमन रेंज के फैंस काफ़ी निराश हो जाएंगे। वैसे में अगर ये स्टोरी लाइन हुई तो उनके फैंस के लिए तो अच्छी बात होगी, लेकिन जो USA में WWE के फैन है वो WWE के रोमन रेंज को हेट करते हैं। WWE की वहाँ की ऑडियंस है वो जानती है कि WWE स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है। वैसे में वो समझ जाएगी कि WWE ने रोमन रेंज को बू से बचाने के लिए ये स्टोरी लाइन पैदा की है, तो वो ज़्यादा बू करने लग जाएंगे रोमन रेंज को, वो रोमन रेंज को हेट करेंगे। वैसे में वे प्लान WWE का फेल हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि WWE की एक स्टोरी लाइन होगी। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको WWE की वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो।